हम इस पर नेक्स्ट बात करते हैं कि जी आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हम इम्पोर्टेंस पढ़ने जा रहे हैं। हमने कहा कि प्रोटीन तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमने कहा ये हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर को बनाता है, हमने कहा कि ये हमारे में प्रोटेक्शन देता है, हमने कहा कि ये हमारे एंजाइम्स हैं, ये बायोकैटलिस्ट हैं, हमने कहा हमारे जितने ग्रोथ हैं ये हमारी हाइट को, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमने कहा कि हमारे जिस्म के अंदर ये डीहेस्ट्रोन डीएनए इनको हेरिडिटी को कंट्रोल करता है, हमने कहा ये हमारे मसल के अंदर मायोसिन है कि नहीं है। अच्छा नेक्स्ट अब हमने देखना, इसी तरह एक दो और भी निकल आएंगे कि जो मैंने डिस्कस नहीं किए होंगे, बुक में लिखे होंगे, लेकिन उसका मतलब यही होगा जो मैंने आपको बता दिया है। ओके तो प्रोटीन ही है ना भाई, देखे प्रोटीन। हाँ एक और है, देखे मेरे जिस्म के अंदर 40% वाटर है। कितना परसेंट वाटर है? 40% वाटर है। तो ये वाटर क्यों नहीं निकलता, ऐसे बैठा हूँ है, ऐसे निकल जाए ना यूरिन के थ्रू। यूरिन तो उस चीज़ को निकालता है जो वेस्ट प्रोडक्ट हो, तो इसका मतलब ये वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है, है? ये वेस्ट प्रोडक्ट तो नहीं है। ये जरा एक दूसरे से डिस्टेंस पे बैठो, आप सारे आप भी डिस्टेंस में बैठे, ठीक है ना? आप उधर हो जाओ, आप इधर हो जाओ, और तू भी पीछे थी बैठो। अच्छा अब हमने बाप बोला कि देखिए ये हमने सारी बातें आपको प्रोटीन के मुतल्लिक कही, ठीक है। इसके अलावा देखें जो लेदर हैं, हमने कमर्शियल बेसिस पे जो बेकरी के सामान है, कैसीन है, ठीक है, ये मिल्क, ये भी क्या है, प्रोटीन इन नेचर है। तो इसी तरह जब हम सिल्क के कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो ये भी प्रोटीन है, ठीक है, सिर्फ, और जूते बैग ये भी सारे प्रोटीन हैं। तो अलगर्ज के प्रोटीन ना सिर्फ किसी भी जानदार के अंदर बल्कि उसके अलावा भी उसके रोज़मर्रा आपके बैग प्रोटीन से बने हुए हैं, जूते प्रोटीन से, यानी कि खाल जो है जो प्रोटीन ही तो है ना, सिल्क कपड़े हैं जो प्रोटीन ही तो है ना, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो सर्जिकल जो स्यूचर्स होते हैं दे आर आल्सो प्रोटीन्स, सर्जरी करते हैं ना जो धागे होते हैं, मुख्य धागा होता है वो प्रोटीन है। ओके कोई भी जिंदगी में अगर आपको अमाइनो एसिड का भी कह दे के भाईजान अमाइनो एसिड के फंक्शन के, तो ये मिलते जुलते हैं। तो उसने बड़े मुख्तसर लिखे हैं आपकी बुक में, तो आपने भी उतने ही लिखने हैं, लेकिन अगर कुछ भी ना रहो तो इस तरह करके आप लिख सकते हैं। ओके समझ आ गए ना, तो मुश्किल तो नहीं समझाया। तो अब तक हमने अमाइनो एसिड की क्लासिफिकेशन पढ़ ली, अब तक हमने प्रोटीन के मुतलक पढ़ा, प्रोटीन के फंक्शन पढ़ लिए। अब हम जरा थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं कि प्रोटीन के सोर्सेस क्या होते हैं। देखिए बेटा एनिमल सोर्सेस, ये जितना भी आप मीट है फ्लैश है खाते हैं, ठीक है ना, तो ये प्रोटीन, एनिमल प्रोटीन भी होती है और प्लांट प्रोटीन भी होती है। एनिमल प्रोटीन को हम रिच प्रोटीन कहते हैं, प्लांट प्रोटीन को हम पुअर प्रोटीन कहते हैं। तो जो गोश्तखोर होते हैं उनकी प्रोटीन, उनको भी अमाइनो एसिड प्रोटीन मिलते हैं, और जो दूसरे होते हैं वेजिटेरियन उनको भी अमाइनो एसिड प्लांट से, जितनी दालें छोले ये जो इस तरह के बीज सीड्स होते हैं ना बेटा, हैं सीरियल लेग्यूमिन्स, तो ये सारे प्रोटीन्स होते हैं। ओके अच्छा फिर अब हमने पढ़ना है जो बेसिक, अब जो एक सवाल आता है जो प्रोटीन का, हाँ देखिए आपके पास एक सवाल आएगा कि राइट ए नोट ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, क्या आएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। ओके ठीक है, तो आपने कहना है कि प्रोटीन की तीन क्लासेस होती हैं, एक होती है हाँ जी सिंपल प्रोटीन, कंपाउंड और ड्राइव्ड, हाँ जी कौन से होते हैं, सिंपल प्रोटीन, हाँ
सुन चुप करके सुनते रहो ये, क्योंकि वो कंपाउंड प्रोटीन्स और क्या होते हैं भैया, ड्राइड प्रोटीन और ड्राइड प्रोटीन। फार्मेसी काउंसिल की एक आदत है कि वो जस्ट इसी तीन नाम लिखने के एक एक एग्जांपल देने के पांच नंबर का सवाल देते हैं। लेकिन देखिए सिंपल बनना इसमें एमसीक्यूज आते हैं। देखिए सिंपल प्रोटीन क्या होती है, सच ए प्रोटीन विच ऑन हाइड्रोलाइज़, विच ऑन हाइड्रोलाइज़, हाइड्रोलाइज़ का पता था ना, बताया था कि जब पान टूट जाते ऑन हाइड्रोलाइज़ प्रोड्यूसेस, हाँ प्रोड्यूसेस ओनली अमाइनो एसिड्स। अगर मैं किसी की जेब में हाथ लगा के सारे चीजें बाहर फेंक दूं और सिर्फ उसमें 10-10 के 20 नोट लिखे तो वो एक जैसे होंगे, लेकिन इसके जेब में हाथ डाल के से निकालते हैं तो साथ में बिस्किट भी निकलते हैं, साथ में बिस्किट भी निकलते हैं, टॉफियां भी निकलती हैं। मैं बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ ना, तो एक जैसी चीज़ें तो नहीं निकली ना। अगर देखिए अगर हम गिनती करेंगे, चार घोड़े हैं, हम कहते हैं कि गिनती करेंगे 1 2 3 4, सर फोर घोड़े हैं, लेकिन साथ दो खोते भी खड़े हो जाए, हम कह रहे की गिनती करो, आप ये थोड़ी करोगे 6 हैं, आप कहेंगे 4 घोड़े हैं और 2 डंकी है, ओके ऐसे कहेंगे ना। तो फिर ये अगर आपने एक अमाइन प्रोटीन ली, सिंपल कोई भी ली, उसको हाइड्रोलाइज कर दिया, जैसे हाइड्रोलाइज किया उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड निकल आई, तो आपने ये कहना है कि क्या है, ये सिंपल अमाइनो एसिड। नहीं समझे? अच्छा, सिंपल अमाइनो एसिड बने होंगे तो वो कैसे बने, कौन सा बांड टूटा होगा। हाँ जाहिर, यू आर राइट, तो इसमें परेशानी हो रही है, पेप्टाइड बांड ब्रेक हो गया और अमाइनो एसिड अलहदा अलहदा हो गया। हमने क्या कहा इसको, इसको क्या किया, हाइड्रोलाइसिस का, तो इसको हम सिंपल प्रोटीन कहते हैं। तो पिछली दफा उसने इतने एमसीक्यू दिए ना सिंपल प्रोटीन में, इतने एमसीक्यू, कम से कम उसने 7 एमसीक्यू इसी टॉपिक से उठा के दे दिए। हाँ जी, सिंपल प्रोटीन के टॉपिक में 7 एमसीक्यू उसने उठा के दे दिए कि मसलन ग्लोबिन है, ग्लोब्यूलिन है, हिस्टोन है, हैं और प्रोलामीन्स हैं, तो इस तरह के 7-8 नाम है कि भाई इनकी सॉल्युबिलिटी किस में है, ये कितने परसेंट अल्कोहल में सॉल्युबल है, ये कितने इनके, ये इसकी वाटर सॉल्युबल है या अल्कोहल सॉल्युबल, इस तरह की चीज़ें उसने करके 7 एमसीक्यू सिर्फ इस टॉपिक में से दे दिए, जो कि क्या है उस लड़के के मुसीबत बन गई जिसने ये नहीं किया होगा। तो इसीलिए कहता हूँ कि फार्मेसी काउंसिल में बड़े कंसेप्ट के साथ और कांस्टेंट आपको पढ़ना पड़ेगा। 3 महीने आपके पास मैक्सिमम, 4-6 महीने 5 महीने मिल जाएंगे आपको, तो आपके पास 3 महीने हर सूरत में आपने कोर्स कवर करना है और इसलिए टेस्ट देने हैं। अच्छा जी, ठीक है, अभी हमने एग्जांपल डिस्कस नहीं करे तो वो हम उससे बाद में डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन ये तो पता लग गया ना कि ये हाइड्रोलाइज होकर क्या बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ अमाइनो एसिड देंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ हाइड्रोलाइज, एक मैंने प्रोटीन लाया और उस प्रोटीन को मैंने हाइड्रोलाइज किया, जब हाइड्रोलाइज किया तो उसके अंदर क्या निकला, अमाइनो एसिड निकला, अमाइनो एसिड के साथ कोई और चीज़ भी निकल आई, कोई और चीज़ भी निकल आई, तो हम उनको हम कहते हैं कंपाउंड। मसलन जैसे उसके साथ कोई कार्बोहाइड्रेट निकल आएगी, शुगर निकल आएगी, ठीक है, उसके साथ लिपिड निकल आएगी, उसके साथ कोई लिपिड निकल आएगी। मेरे बच्चे समझ आई है, हैं बस देखो माइनसर तो है ही, वो तो लाजमी होगी हैं, लेकिन साथ में क्या निकल रहा है, लिपिड निकल रहा है, साथ में क्या निकल रहा है, कोई शुगर निकल रही है तो, और ठीक है, और साथ में सल्फर निकल रही है, हैं तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड लिपिड। जैसे जैसे ग्लाइकोलिपिड है, फास्फोलिपिड्स है, तो ये पढ़ेंगे कि फास्फोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स है, ठीक है ना। तो अब ये जो है कंपाउंड, कंपाउंड प्रोटीन में देखिए क्या एग्जांपल दी हुई है, हाँ 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 ठीक, मेटालो प्रोटीन, तो ये क्या बोलता है, मेटालो प्रोटीन। आपके पास हीमोग्लोबिन है,
इसके इसके अंदर कौन सा मेटल होता है? आयरन, ठीक है ना। ग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ग्लोबिन क्या है? प्रोटीन है। अब हीमोग्लोबिन में 96% प्रोटीन होती है और 4% क्या होता है? हीमो पोर्शन होता है, लेकिन है तो हीमोग्लोबिन में ना, उस प्रोटीन के अंदर है ना, तो इसे मेटालो प्रोटीन कहा। और दूसरा प्रोटीन कौन सा है? न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या है? न्यूक्लियो प्रोटीन। तो वो देखिए, जिसके न्यूक्लिक एसिड के साथ, जो मैंने स्टोन बनाया था, न्यूक्लिक एसिड के साथ जो अटैच है उसे कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन। और दूसरा बताइए जो, हाँ, फास्फो प्रोटीन। तो ये फास्फो प्रोटीन मैंने बता दिया। और आगे लाइपो प्रोटीन, जो लिपिड और इसका कम्प्लेक्स बना हुआ होगा, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग प्रोटीन। क्लियर? ठीक है, क्लियर हो गया ना। तीन चीजें हैं, लिपिड है, प्रोटीन है, प्रोटीन खुद ही प्रोटीन है, तो लिपिड के साथ है तो लाइपोप्रोटीन होगी। देखिए बायोकेमिस्ट्री में हमेशा चार लफ्ज होते हैं, यानी कि हर जगह हर टॉपिक में इसका जिक्र आएगा, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड के। ठीक है, अब देखिए लिपिड प्रोटीन तो प्रोटीन है, है? अब देखो क्या कहा, प्रोटीन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन विद न्यूक्लिक एसिड तो न्यूक्लियो प्रोटीन, और प्रोटीन विद लिपिड लाइपोप्रोटीन। ओके, देखा कितना आसान कर दिया है, न्यूक्लियो प्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, ये कम्प्लेक्स होते हैं। ओके, जब हम इन्हें अलहदा अलहदा करेंगे तो प्रोटीन अलहदा और फिर उसके अमीनो एसिड अलहदा हो जाएंगे और लिपिड अलहदा हो जाएगी। ठीक है, फास्फोलिपिड, फास्फोरिक एसिड, ठीक है, तो वो अलहदा। फिर ये मतलब क्या होता है, जो जहाँ फास्फोलिपिड्स होती है ना, हैं, तो वो तो उस बार ये आपको सारे कंपाउंड का समझ आ गया। ओके, फिर इसके बाद आपके पास आता है ड्राइव्ड लिपिड। क्या होते हैं? ड्राइव्ड। ये देखो, ये एक पूरी एक चेन, बहुत बड़ी चेन थी प्रोटीन की, मैंने उसे थोड़ा तोड़ा दिया, अभी कम, यानी कि 100 से कम हो गए तो पॉलीपेप्टाइड बन गए। ठीक है, और समझाइए ना, 9 से कम कर दिए तो क्या बन गया? पेप्टाइड बन गया। तो एक दो लफ्ज और इस्तेमाल कर लो, पेप्टोन है, ये लव क्या इस्तेमाल हो रहे हैं, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टोन्स, ऑल दीज आर ड्राइव प्रोटीन। और सिंपल अमाइनो एसिड और सिंपल अमाइन, क्योंकि प्रोटीन में तो प्रोटीन होती है ना, तो एक एक अमाइनो एसिड तो नहीं होती। जब आपने से 1, 2, 3 अमाइनो एसिड में चेंज कर लिया तो उससे ड्राइव्ड होता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी बेटा, ड्राइव्ड प्रोटीन आर द प्रोटीन विच आर ड्राइव्ड या ऑब्टेन फ्रॉम द सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन। ओके, मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर ये मेरे बाल में काटता हूँ तो बाल मेरे जिस्म से उतरेंगे ना, मेरे ही होंगे ना, तो वो कहेंगे किसके होंगे, सर मेरे आज के ड्राइव्ड हैं। अगर क्लियर हो गया ना, कोई चीज़ को तोड़ के ऐसे फेंक दो, भाई किसका है सर, ये स्क्लैन का है। ठीक है, तो ये कहेंगे स्क्लैन से ड्राइव्ड हुआ है। तो जब प्राइमरी, वो प्रोटीन जो प्राइमरी और कंपाउंड प्रोटीन से निकले हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन। उन्हें क्या बोलते हैं, ड्राइव्ड प्रोटीन। ड्राइव्ड प्रोटीन की कोई एग्जांपल तो नहीं होगी, यही होगी ना, हाँ, प्राइमरी और, अच्छा देखिए, अच्छा ये देखिए, ये कौन से होते हैं, देखो बेटा इधर से देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में देखो क्या है, आप एग लिक्विड होता है, आप उसे गर्म करते हैं तो वो डीनेचर हो जाता है। क्या हो जाता है? डीनेचर हो जाता है। ओके, अब डीनेचर होता है तो उसमें पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, उसके अंदर जो होते हैं ना हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होते हैं ना, वो टूट जाती है। अरे बेटा समझ आई है, हाइड्रोजन बॉन्ड और अदर इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड वो टूट जाते हैं, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड नहीं टूटता, तो हम इसको कहते हैं डीनेचर। इसे क्या कहते हैं? तो इससे जो ये पेपर में सवाल आया था 5 नंबर का, कि आपकी अम्मी ने एक अंडे को फ्राई किया है, तो बायोलॉजिकली से एक्सप्लेन करें कि अंडे को हुआ क्या था। अब देखो कैसा सवाल है, तो यही बच्चों को हमने बताया था कि जब हम किसी चीज़ को हीट करते हैं तो उसके अंदर देखें, जैसे कि ये पेप्टाइड, वो आगे मैं पढ़ा, वो मैंने पढ़ाया नहीं ना, आपको समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, ये देखिए ये NH है ना,
है और ये सीड और बॉन्ड ओ है। अब इसके ऊपर क्या होता है, स्लाइड नेगेटिव, इसके ऊपर स्लाइड पॉजिटिव, तो अब इन दो के दरमियान भी एक ओ फोर्स पैदा हो जाती है। ये तो पेप्टाइड बॉन्ड था, अब इन दो के दरमियान भी फोर्स, उसे कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या कहते हैं? हाँ, तो अब इसी तरह कोई सल्फर होता है तो सल्फर के साथ बॉन्ड बन जाता है, इसे कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटर, तो वो पैदा हो जाती है। जब हम गर्म करते हैं तो ये वीक होते हैं, ये टूट जाते हैं, ये भी टूट जाते हैं, तो जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे देखिए एक मॉलिक्यूल है ना ऐसे, अब देखिए ये ना इसकी वजह से ना पिलर बन के ना यूं अटैच है, ठीक है, क्लियर। अब ये खड़े हुए हैं ना, स्ट्रक्चर मेंटेन है, जब तक स्ट्रक्चर मेंटेन होगा तो काम हो गए, पिलर दीवार में बैठे ना, ये स्ट्रक्चर मेंटेन है, अगर दीवार को गिरा दिया जाएगा स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा, ये गिर जाएगी तो काम खत्म हो जाएगा ना। तो आपने हीट किया ना, तो ये देखो इनके यहाँ पे क्या था, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये जब निकल जाएगा ना ये, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये सारी खत्म हो जाएगी, ये खत्म हो गई ना, तो फिर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो हम इसको क्या कहते हैं, डीनेचरेशन, डीनेचर। अब स्ट्रक्चर क्या हो गया, अब इस शक्ल में नहीं रहेगा, इस तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ओके, इकट्ठा हो जाएगा, स्पेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब स्पेस कम हो जाता है चीज लिक्विड से सॉलिड बन जाती है। तो इतनी सी बात है कि जब हमने अंडे को गर्म किया, उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस थी, वो ब्रेकअप हो गई और जो मॉलिक्यूल थे वो एक दूसरे के करीब आ गए और उनके दरमियान स्पेस कम हो गया, जो बाकी बचे हुए उसके ऊपर वो पानी, यानी कि वो इस तरह सॉलिडिफाइड हो गए। जब चीज़ें करीब हो जाती हैं तो क्या हो जाती हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो अंडा क्या हो गया, अब हाथ में जा गए ना। तो पांच नंबर सिर्फ इतने थे, एक बच्चे ने लिखा है ना, ड्यू टू द डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, ड्यू टू द, अंडा जब लिक्विड था तो, अब अंडा जब लिक्विड था उसके और काम थे, जब वो फ्राई कर दे तो वो और काम हो गए, एक तो डीनेचरेशन हुई, फिर हीट की वजह से, दो लफ्ज किसी बच्चे ने लिखे थे क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेकअप हो गई, और तीसरा पॉइंट क्या था, इनका स्पेस क्या हो गया, कम हो गया, जब स्पेस कम हो गया तो हम इसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये वो फ्राई, डीनेचरेशन हो गई, ठीक है। तो ये है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, ये चीज जो बनी है ना, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ड्राइव्ड प्रोटीन, क्या होती है, हाँ। अब सेकेंडरी ड्राइव प्रोटीन में क्या होती है, कि वो जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो भी टूट जाता है, जैसे फिर लिखा हुआ है इस पे, पॉलीपेप्टाइड, पेप्टाइड, पेप्टोन्स, ये लिखा हुआ है, तो मैंने तो यही कह रहा हूं ना, तो मैंने तो आपको एग्जांपल से समझाया कि फिर क्या होगा, अब देखिए यहां पे क्या हुआ है, डीनेचुरेशन, अब क्या हुआ है, ये देखिए ये टूट गया, ये टूट गया, यहां से टूट गया, ओके, अब देखिए ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड, ये पॉलीपेप्टाइड और ये पेप्टाइड बन गया और ये पेप्टोन बन गया, ओके। अब देखो कितनी आसान है, अब बच्चों को समझ नहीं आती और रट्टे लगा के पागल हुए पड़े थे। अब बुक में तो इस तरह नहीं लिखा हुआ ना कि जी सकलान की अम्मा ने अंडा बना दिया, और मैं बच्चों को ऐसे कहता था, और तेरी अम्मा ने अंडा बनाया तवे तो सटे, तवे तो अंडा पक गया, तो क्या थी सी, डीनेचरेशन हो गई, तो वो पेपर में सवाल आ गया, आप आपका कंसेप्ट क्लियर है, ओके। अब याद करेंगे तो ये आपको आसान आ जाएगा, ठीक है। जी अब हमने पढ़ना है कि आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर इसे समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है, अगर समझ नहीं आएगा तो बहुत ही मुश्किल है। देखिए आपके पास, हम पहले कह चुके हैं कि आपके पास जितनी भी पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये पेप्टाइड बॉन्ड से बने हुए हैं। आपने ये कहा, मैंने आपको इतने सारे फंक्शन पढ़ाए, इतने ज्यादा फंक्शन पढ़ाए, और सारी थी प्रोटीन, लेकिन सबके फंक्शन क्या थे, मुख्तलिफ थे, सबके स्ट्रक्चर क्या थे, नहीं सबके फंक्शन क्या थे, मुख्तलिफ थे। अगर जब मैं इनको देखता हूँ तो इनके स्ट्रक्चर भी मुख्तलिफ होते हैं, अगर मैं मजीद इनके स्ट्रक्चर को ख़त्म करता हूँ तो इनका फंक्शन भी ख़त्म हो जाता है। जब इनका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो हम इसको कहते हैं डीनेचर, कहते हैं डीनेचरेशन। तो इसका मतलब है जब भी डीनेचरेशन होगी तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ओके।
ये बात समझ आ गई। तो इसका मतलब है कि हमें किसी भी प्रोटीन के फंक्शन को समझने के लिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को भी समझना बहुत ही जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि जी ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, ये टर्शियरी होता है और क्वार्टरनरी। अब क्लियर, जब भी आप स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आप ये बात जरूर करोगे मेरे भाई, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है और क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। लो भाई बात तो ये होगी, ये की प्रोटीन है स्ट्रक्चर। अच्छा देख, जो भी प्रोटीन होगी उसके अंदर अमाइनो एसिड होगी और जो भी अमाइनो एसिड होगी उसके अंदर क्या होगी, एक चेन होगी। बाज़ुकात क्या करती है, एक चेन फोल्ड हो जाती है और अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, एक ये बिल्कुल सीधी पड़ी रहती है, ठीक है ना। लेकिन याद रखना चाहे सेकेंडरी हो, टर्शियरी हो, क्वार्टरनरी हो, सब में सेकेंडरी तो लाजमी होगा, ओके बात समझ आएगी ना। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो ये एक अमाइनो एसिड है, ये दूसरा अमाइनो एसिड है, ये तीसरा अमाइनो एसिड है, ये चौथा है, ये पांचवा, एंड सो ऑन। देखिए ये इसके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड के, इसके दरमियान ऐसे सो ऑन। ये एक लीनियर सीक्वेंस है, एक चेन है, एक सीधी लाइन है, लीनियर चेन है। तो इस चेन को, ऐसी स्ट्रक्चर को, लीनियर सीक्वेंस को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। बस इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही किस्म की बाइंडिंग फोर्स है और उस बाइंडिंग फोर्स का नाम क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड। ओके पेप्टाइड बॉन्ड, ओके समझ आ गई। बाज आप किसी कमरे में ना, आपके पास एक बहुत बड़ी चेन है, आपने उसको कमरे में रखना है लेकिन सीधा करके रखना है, क्या करना है सीधा कर। देखिए ये एक ऐसी लंबी चेन है, ठीक है, आपके पास एक बॉक्स है, वो उसकी लंबाई है इतनी सी। किसी ने कहा कि आप इस चेन को इसके अंदर सीधा करके रखेंगे लेकिन गड़बड़ नहीं करेंगे, तो आप क्या करेंगे, ऐसे रखेंगे सीधा, ऐसे फिर क्या करेंगे, ये ऐसे। लो भाई बात समझ आ गई ना, देखिए बात समझ आ गई ना। तो ये एक ही लीनियर सीक्वेंस था, उसको हमने क्या कर दिया, फोल्ड कर दिया। जब हमने उसको फोल्ड किया है तो क्या हुआ कि इसके सामने जो ये N था, H था और इस C के सामने जो O था, एक दूसरे के सामने आ गए, तो इनके दरमियान क्या पैदा हो गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब देखो एक एडिशनल फोर्स पैदा हो गई। अब जो मर्जी करें ये इस तरह एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, इस स्ट्रक्चर को मेंटेन करेंगे, ओके ठीक है। तो इस किस्म के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, समझे ना। ये टू डायमेंशनल है, देखिए ऐसे गई है और फिर वापस, ठीक है क्लियर, 2D है क्लियर। आप ये कहते नहीं सर मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं इस चीज को अरेंज करूंगा इन द 3D स्पेस, इन थ्री डायमेंशनल। देखिए थ्री डायमेंशनल स्पेस ऐसे होती है, वैसे तो ये होती है 3D स्पेस ऐसे, ठीक है ओके। मतलब मैंने इस चीन को ना ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे ओके, ऐसे समझ आइए। अब 3D अरेंजमेंट जो होती है, 3D अरेंजमेंट ऑफ लीनियर इसकी होती है, इसको हम टर्शियरी कहते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर भी पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होगा, सल्फर बॉन्ड होगा और अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ओके। ये ग्लोब्यूलर शक्ल में होगा, किस में होगा, ग्लोब्यूलर शक्ल में, क्लियर। इट इज नोन एज द टर्शियरी, ये ज्यादा उससे कॉम्प्लेक्स है। और बाज़ुकात आप ऐसे करते हैं, आपके पास एक चेन है, ये दूसरी चेन है, ये तीसरी है और ये चौथी है, जैसे आपके पास हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में आपके पास 4 चेन होती हैं, 2 में 141 अमाइनो एसिड्स होते हैं और 2 में 146 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए ना। तो ये 4 आपस में एग्रीगेट कर जाती हैं, क्या कर जाती हैं,
और क्या कर देती है, एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, देखिए ऐसे ऐसे, ये दूसरी और ये तीसरी और ये चौथी, ओके। तो एग्रीगेशन ऑफ मोर देन टू थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। अब बात सर, जरूरी नहीं कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हर प्रोटीन में हो, ये किसी में होता है और किसी में नहीं होता। लेकिन जैसे फिर इसने एग्जाम्पल दी हुई है, आप देखेंगे ना एंड में उसने एग्जाम्पल दी हुई है कि जी ये ग्लोबिन है और हीमोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन है, मायोग्लोबिन में कौन सा है, क्वाटरनरी टर्शियरी है और हीमोग्लोबिन लगाया हुआ है। आप देखो, अगर किसी को ये चीजें समझ ना आए, बुक जितनी मर्जी पढ़े उसको समझ नहीं आएगी। देखो अब यहाँ पे देखो, वही अब आपको समझ आ गया है पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है। मैंने बात की पेप्टाइड चेन की, वो बात समझ आ गई। मैंने बात की सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच की, वो आपको समझ आ गई। देखिए जब ये बॉन्ड बनेंगे ना, तो सी डबल बॉन्ड ओ भी होगा और एन एच भी होगा। जब फोल्ड करेंगे एन के साथ एच और सी कार्बोनाइल का ओ, आमने सामने तो आ जाएंगे। तो जैसे आमने सामने होंगे तो क्या पैदा हो जाएगा, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा हो जाएगी। कौन सी बॉन्ड होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पैदा होगी। इट्स ऑल अबाउट यूर स्ट्रक्चर, देखिए प्राइमरी सेकेंडरी, और आपने ये याद करना है कि मायोग्लोबिन में क्वार्टनरी है, अपना टर्शियरी है, हीमोग्लोबिन, यही आपके एमसीक्यूज हैं। अच्छा देखिए, ये आपका एमसीक्यूज है कि सिंपल प्रोटीन में, सिंपल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड होता है। पेप्टाइड बॉन्ड किसके दरमियान होता है, दो अमाइनो एसिड का, एक अमाइनो एसिड का एन एच अमाइनो ग्रुप और दूसरे के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में एक इंटर एक बॉन्ड बनता है, उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जबकि उसमें क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड भी होगा और हाइड्रोजन, पेप्टाइड बॉन्ड तो सब में होगा, ठीक है। लेकिन देखिए, आपको सेकेंडरी में कम इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होंगी, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, क्वार्टरी में सल्फर बॉन्डिंग और दूसरी अदर इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस भी होंगी। और जो सबसे कॉम्प्लेक्स है वो कौन सा है, क्वार्टरी। और क्वार्टरी में एग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, इकट्ठे, कितनी एग्रीगेट, मैनी मैनी पॉलीपेप्टाइड चेन एग्रीगेट टू फॉर्म दिस, एंड इट इज ऑल अबाउट टुडे आवर लेक्चर। ये आज मैंने पूरा प्रोटीन कर लिया है। मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं आपको लिपिड भी कराऊं, क्योंकि मैंने टारगेट बनाया हुआ था। लेकिन कल लिपिड भी कराऊंगा और न्यूक्लिक एसिड भी कराऊंगा, लेकिन कल आपसे मैंने इन दोनों का टेस्ट भी लेना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।